पुष्पा, पुष्पराज। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बाबा भले को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस, इस मूवी का हीरो यानी अल्लू अर्जुन जब इन वाली लड़कियों से उड़कर इन वाली लड़कियों पर जा रहा हो तब इन वाली लकड़ियों के ऊपर कोई भी रस्सी नहीं लगी होती। रस्सी ना लगने की वजह से इधर उधर भाग रही होती है। जब इन का कैमरा चेंज होता है तब तो उस लकड़ियों पर ये रस्सी कहाँ से आ जाती और इधर उधर भागने वाली लकड़ियाँ ऐसे सट कैसे हो जाती है बाबा। और इस सीन पर दिखाते हैं कि अल्लू अर्जुन की इतनी पिटाई हो रही होती है और उसके जिस्म से ब्लड निकल रहा होता है तो केवल ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट पर सिर्फ लाठी के निशान बने होते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लाठी के निशान कैसे बन गया रे बाबा। जब पुलिस वाले मार रहे होते हैं तो अल्लू अर्जुन की बॉडी से डंडे टच भी नहीं हो रहे होते। देख लो डंडे लाठी लहरा लहरा के कैसे उसके साइड से निकले जा रहे हैं। और इस सीन पर एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की। देखो कैसे अल्लू अर्जुन की लुक पर लोग पार्टी कर रहे हैं, वो भी दारू वाली करेंगे दारू पारे। वेट वेट मेरे चचा के भतीजे, यहाँ पर सिर्फ दारू की बोतल की पार्टी हो रही है, उसके अंदर दारू नहीं है। अगर बोतल में दारू होती तो भाई साहब यहाँ पर इस बोतल से दारू जरूर बाहर आता, क्योंकि इस भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही बोल दिए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। और इस सीन में दिखाते हैं वो नोट जो कुछ साल पहले मोदी जी ने बैन कर दिए थे, वो भी इंडिया में, क्योंकि ये नोटें इंडिया करेंसी में बैन कर दी गई थी तो इसका मतलब नई नोटें आ ही नहीं रही होंगी। तो भाई लोग जो इंडिया में हजार हजार की नोटें थी उनमें से कोई भी यहाँ पर स्लिप नंबर नहीं था, तो नंबर कैसे एडजस्ट करके चिपका दिया रे बाबा। और इस सीन पर अल्लू अर्जुन के दिमाग पर पुलिस वाला पुलिस रख कर खड़ा होता, तभी अल्लू अर्जुन के टीम के सारे लोग अल्लू अर्जुन को बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सारे बंदों में से एक बंदा ऐसा भी होता है जिसको चक्कर की बीमारी होती है, फिर भी ये बंदा अपने उस्ताद को बचाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन गाइस जब ये बंदा बचाने के लिए खड़ा होता है तो इसकी आंखों में बहुत ज्यादा नशा होता है। ये देखो आप देख सकते हैं, इस बंदे की आंखें अपने आप ही बंद हो रही होती हैं। तू सच बोलता है। पुष्पा, पुष्पराज, अब सरनेम कौन बताए? अरे चाचा क्यों परेशान कर रहे हो पुष्पा को, पुष्पा ने अपना सरनेम तो बता ही दिया। वैसे जो पुष्पा के बाद राज लगा उससे सरनेम भी बदलते हैं। वैसे चाचा को चंदा देके नौकरी मिली है। इस मूवी में 1 घंटा 20 मिनट और कुछ सेकंड में पुष्पा की हेयर स्टाइल गुंगरेल स्टाइल में होते हैं। 1 घंटा 20 मिनट और कुछ सेकंड के बाद पुष्पा के हेयर स्टाइल सिल्की कलर में कैसे हो जाते हैं। और ये मूवी इस टाइम इस स्टेट से रिलीज कर रही है कि इस टाइम पर कोई भी पार्लर नहीं तेरे बाबा। वाह, मानना पड़ेगा कमाल का अंदाजा है पुष्पा को कि पुष्पा ने ये रस्सी फेंकी पेड़ पर इतनी छोटी रस्सी होती है कि पेड़ पर जाकर चिपक जाती है, मतलब कि रस्सी पेड़ के उस पार नहीं जाती है। लेकिन अगले सीन में दिखाते हैं कि रस्सी पेड़ के इस पार आ जाती है। और बहुत तेज हो रहा है सालों।